कुछ भी लाते हैं तो रख देते हैं लोग खाए आराम से, लेकिन तकिया में रखी है क्या होता है, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि खाने वाला सामान वो भी गुड़ जैसा चीज तकिया में रखा जाएगा। चलो ठीक है दोस्तों, हम ऐसे टेक के बैठे थे और उसके बाद जो है कि यहाँ तकिया था उस पर हमारा हाथ पड़ा, तो उसमें जो है कि हमको कुछ मालूम पड़ा कि लगता है इसमें कुछ है मिट्टी वगैरह, लेकिन जब हम उसमें हाथ डाल के देखे तो उसमें देखिए क्या निकलता है। और हम इनसे अपने बच्चों से पूछते हैं कि देखिए ये लोग क्या चोरी करके रखे हैं, पहले इनसे पूछते हैं फिर उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं कि आखिर है क्या और ये लोग क्या रखे हैं। ठीक है, तो यही है देवांश, तक हम कुछ रखे हो क्या? नहीं रखे हो, झूठ मत बोलना, तुम रखे हो जरूर कुछ। नहीं, तुम अपना बताओ, दूसरे का मत बताओ, तुम कुछ रखे हो कि नहीं? नहीं रखे हो ना, तो मुंह में हाथ मत डालो, हम देख ले हैं, बात बिट्टी से भी पूछ लेते हैं। बताओ तकिया में कुछ रखी हो का? हाँ सही सही बताओ। हाँ? का रखी हो? गुड़। गुड़ तकिया में रखा जाता है? हाँ तकिया में गुड़ रखा जाता है। रुक जाओ, तकिया में गुड़ रखा जाता है? तो ये देखिए दोस्तों, ये है तकिया और इसमें देखिए हम हाथ डाल रहे हैं, ये देखिए इसमें हम हाथ डाल रहे हैं, अब ये जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ से देखिए ये दो आप लोग को दिख रहा होगा, ये दोनों गुड़ है, तो हम आप लोग को निकाल के दिखाते हैं। और ये देखिए, ये है हमारे चुट्टिन बिट्टी का काम। हाँ तुमको खाने को नहीं मिलता है, खाने के लिए रोक दिया जाता है का? मम्मी पापा रोकते हैं का कि नहीं नहीं मत खाया करो बिट्टी? बिट्टी ओए बताओ तो, रुक जाओ देवांश, रोकते हैं का? बोलो रोकते हैं? हाँ खाने के लिए रोकते हैं? जोर से बोलो ना। अरे बिट्टी तो बोले, बोलो ना। जब नहीं रोकते हैं तो चोरी करके काहे रखी हो, लो खाओ इसको, वो भी गुड़ रखी हो, चलो लो पकड़ो जल्दी, पकड़ो बिट्टी, पकड़ो इसको। क्या कहें तुमको, और कुछ खाना होगा तो बताना, हम ला के दे देंगे, यही खोल के पूरा हम रख देते हैं चारों, कुछ भी लाते हैं तो रख देते हैं लोग खाए आराम से, लेकिन तकिया में रखी है क्या होता है, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि खाने वाला सामान वो भी गुड़ जैसा चीज तकिया में रखा जाएगा। चलो ठीक है, जाओ खाओ और आओ नहा के फटाक से खाना वाना खाओ। सब्जी ऐसे बनाया जाता है इतना मसाला डाल के? हाँ, ये मम्मी और तुमको ना हम का कहें,